आजम खान का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, कौन है आजम खान और क्यों चर्चा में आया है ये नाम, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। तो यूपी के रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। पहले भी इस प्रकरण में आजम खान को 10 साल की सजा और जुर्माना हो चुका है। तो आपको बताऊं क्या है पूरा मामला। गुड्डू खान निवासी डूंगरपुर थाना गज ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप था कि उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में आजम खान का नाम सामने आया था। साथ ही दूसरे नामजद 9 आरोपियों पर भी आरोप है कि 2016 में जबरदस्ती घुसकर गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, घर में रखा कीमती सामान तोड़ने और 3,000 रुपए की नकदी लूट ली गई थी। और वर्ष 2019 में थानागंज में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। और इस मामले में न्यायालय एडीजे ने एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार द्वारा फैसला सुनाया गया। आजम खान जिला कारागार सीतापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पेश हुए थे। आजम खान को इससे पहले 10 साल की सजा भी इस मामले में सुनाई गई थी। चर्चित डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को गुनहगार भी माना था और कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। साथ ही दूसरे दोषी को 7 साल की सजा और 6 लाख जुर्माना लगाया था। आपको बता दूं कि आजम खान को इसी डूंगरपुर प्रकरण में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने दोषी ठहराया था। और तत्कालीन सपा सरकार में साल 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी और साल 2019 में 12 लोगों ने मिलकर थानागंज कोतवाली में अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई थी। आरोप था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया। इन मुकदमों में आजम खान का नाम विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा शामिल किया गया था। डूंगरपुर मामले में लगभग 12 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें 2 केस में आजम खान बरी हो चुके हैं जबकि 2 दूसरे मामलों में पहले इनको सजा मिल चुकी है। तो ये थी अब तक की अपडेट। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। माय फ्रेंड नीड अ स्पोक्स पर्सन विद यू, सो आई हैव द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। हे, आई एम चेतना एंड आई एम एन इंडिया बेस्ड प्रेजेंटर। I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.